हेलो माय फ्रेंड्स वेलकम टू बी एडू सो लेट्स मूव हेड इन अवर प्लेलिस्ट लिस्ट नाउ विल डिस्कस अबाउट द एचपीएनएल यू शिमला द हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी शिमला विल टॉक इन डिटेल अबाउट इट विल टॉक अबाउट द कैंपस एंड इट्स फैसिलिटीज विल टॉक अबाउट द कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस सीट अवेलेबिलिटी क्या है क्या कट ऑफ होने वाला है फी स्ट्रक्चर कितनी हो सकती है यहाँ और क्या ये वर्तित है इतना इन्वेस्ट करना और वो भी शिमला में एंड वट आर द प्लेसमेंट स्टार्ट विल टॉक इन डिटेल सो गाइस चैनल के साथ बने रहो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए देन हिट द लाइक बटन एंड डू शेयर टू ऑल ऑफ्रेंड्स सो गाइस वी हैव स्टार्टेड द बैच फॉर द क्लैट एंड इवन विद रिस्पेक्ट टू ऑल दी लॉ इंट्रेंस एग्जाम सो यू कैन स्टार्ट प्रिपरेशन विद इफ यू आर मुंबई बेस्ड यू कैन ज्वाइन घाटकोपर दादर एंड डोम्बेवली ब्रांच that is the classroom lectures and even you can interact live with us so jovi upped out so guys ask me on eight three eight three eight one eight 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 eight.

And it is the number one institute with respect to the legal programs in Himachal Pradesh. Located in the geographical terrains of the Himalayas. एचपीएनएल शिमला इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस फॉर स्टडिंग लॉ इन इंडिया अमेजिंग यूनिवर्सिटी इज वन ऑफ द मोस्ट शॉर्ट आफ्टर लॉ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विद इन दिस शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम गाइज वही मैंने कहा कि यह काफी कम वक्त में काफी अच्छी रिकॉग्निशनों ने हासिल की है कैसे अब हम बात करते हैं रैंकिंग को लेकर सो एचपीएनएल रैंक ट्वेंटी इन इंडिया एमंग ऑल द नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज ऑफ और अगर आप हिमाचल प्रदेश से हो तो कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है गाइस एच वी एन एज द बेस्ट सुटेड फॉर यू अप्रूव बाय द बी सी आई यू जी सी एम एच आर डी इट ऑफर्स वेरियस लीगल प्रोग्राम सच एज द बी एल एल बी इवन बी बी एल एल बी

उटडोर टू द डिफरेंट सिटीज काफी दूर जरूर है कनेक्टिविटी के तौर पर लेकिन गाइज ये पहाड़ों के बीच एक सुंदर सा इंस्टीट्यूट है जहां आपका काफी अच्छा मन लगने वाला है पढ़ाई में और गाइज लॉ के लिए ट्स अ बेस्ट सुटेड इंस्टीट्यूट अमेजिंग सो यू कैन टारगेट दिस सो ओवरऑल ग्रेट गाइज अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस को लेकर सो हियर यू कैन परसू द बी एल एल बी एंड इवन द बीबीएलएल बी प्रोग्राम एंड फॉर इट यू हैव टू क्रैक द क्लैट Candidates should pass 10 plus 2 or equivalent examination with minimum 45% marks for general category, 40% marks for SCST category. Candidates who may be appearing for the qualifying examination in March or April, they can write the December 2023 paper. And if you are in 11th standard right now, you can try for the December 2024. So join Be Educare, interact live or offline with us. There is no upper age limit. Maximum marks are 120, duration of CLAT exam is 2 hours. Multiple choice questions 120 there is negative marking system so guys you have to maintain the accuracy ab अब achhi अच्छी रहेगी तो गाइज़ आप 120 में से काफ़ी अच्छे स्कोर अचीव कर पाओगे 80 टू 85 फाइव विल भी सफिशियंट अगर आप जनरल कैटेगरी से हो गाइज विद रिस्पेक्ट टू ऑल द कैटेगरीज देन आपको बस फाइव टू सिक्स मार्क्स डिलेक्ट करने हैं लेकिन 80 टू 85 हमें सेफ स्कोर टारगेट रखना है हमेशा सेक्शन वाइज बात करूं देन इंग्लिश को लेकर 22-26 क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज 28 टू 32 लीगल रीजनिंग 28 टू 32 लॉजिकल रीजनिंग 22 टू 26 क्वेश्चंस एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक उसको लेकर 10 टू 14 क्वेश्चंस सो ओवरऑल भाई 120 क्वेश्चंस ट्वेंटी आपको मिलने वाले हैं एंड आउट ऑफ वन अगर आप एट्टी टू एटी स्कोर करते हो तो यहाँ एडमिशन इजीली मिल सकता है अब बात करते हैं आगे को कर। so, BLLB के लिए यहाँ जो है जनरल कैटेगरी को लेकर नाइनटी थ्री सीट एस सी को लेकर एटीन एस टी नाइन टोटल वन ट्वेंटी सीट अब होरिजेंटल जो रिजर्वेशन है पीडब्लू डी फाइव परसेंट दैट मीन सिक्स सीट्स वार्डस ऑफ सर्विंग रिटायर्ड और डिफेंस पर्सनल फाइव परसेंट सिक्स सीट हिमाचल प्रदेश डोमिसाइल कैंडिडेट ट्वेंटी फाइव परसेंट सीट्स तो उनके लिए थर्टी सीट्स है ना सुपर सीट्स कश्मीरी माइग्रेंट फाइव परसेंट सिक्स सीट्स रेसिडेंट्स एंड कश्मीर टू एंड एनआरआई एंड फॉरन नेशनल सीट्स नाउ विध रिस्पेक्ट टू द बीबीएल सिक्सटी सीट्स जनरल को लेकर फोर्टी सिक्स एस सी नाइन एस टी फाइव होरिजोनटल रिजर्वेशन पीडब्लू डी थ्री वार्ड ऑफ सर्विंग रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल थ्री एंड हिमाचल प्रदेश को लेकर ट्वेंटी फाइव परसेंट दैट मीन फिफ्टीन सीट आदे एंड सुपर नमोरी कश्मीरी माइग्रेंट थ्री रेसिडेंट्स ऑफ जम्मू कश्मीर टू एंड एनआरआई नाइन सीट्स सो गाइज यहां आपके लिए सीट्स भी अच्छे खासे हैं वन ट्वेंटी एंड सिक्सटी सो यू कैन ट्राई फॉर ऑल दिस लेकिन गाइज स्कोर काफी अच्छा होना चाहिए और स्कोर के लिए आपको बेहतर मेहनत करनी है इन द क्लैट सो क्लैट का प्रिपरेशन आप हमारे साथ कर सकते हो जो भी आपके डाउट है गाइज आप मुझे इस नंबर पर जरूर पूछिएगा अब आगे बात करते हैं कट ऑफ को लेकर सो सेवेंटी एट टू एटी अगर आपने स्कोर किया है और आपका रैंक हंड्रेड बिलो है देन आपको इजिली एडमिशन मिल जाएगा इन एचपीएनएल शिमला सो जनरल कैटेगरी ओपनिंग रैंक स्टार्ट हो जाता है एट ट्वेंटी टू से लेकर एटीन हंड्रेड फिफ्टी सिक्स जनरल कैटेगरी फ्रॉम द हिमाचल प्रदेश फोर्टीन हंड्रेड नाइनटी फाइव टू एट थाउजेंड सिक्स एससी कैटेगरी 8,337 to 10,332, ST 13,000 टू PWD 29,000 onwards and टू category candidate ऑनवर्ड्स एंड डिफेंस कैटेगरी कैंडिडेट को लेकर 1553 हंड्रेड फिफ्टी थ्री टू सेवन सो इनके बीच अगर आप रहोगे देन ओनली यू कैन गेट द कॉल फ्रॉम द शिमला सो गाइज हमें टारगेट करना है इन द फर्स्ट एंड इन दिस सेकंड राउंड क्योंकि इसके बाद जो है वो सीट्स मैक्सिमम अप हो जाते हैं सो गाइस ऑलवेज रिमेंबर सेवेंटी एट 80 एटी भी लाना है तो प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरह से करना है एंड गाइज इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग फाइव ईयर्स इन सच ए इंस्टीट्यूट देन आपको ये ध्यान में जरूर रखना है कि भाई उसकी फीस क्या है एंड उसके प्लेसमेंट स्टार्ट क्या है क्योंकि हमें चाहिए बेस्ट आर अब बात करते हैं गाइज फीस को लेकर सो ओवरऑल जो फीस स्ट्रक्चर है आपकी टू लैख थर्टी फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड पर एन एम जो आपकी फर्स्ट ईयर की फीस है फर्स्ट हाफ दैट इज फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पे करना है वन लाख थर्टी थाउजेंड टू फिफ्टी एंड सेकंड सेमेस्टर वन लाख फाइव थाउजेंड एंड टू फिफ्टी सेकंड ईयर में हो जाएगी टू एंड फिफ्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड थर्ड ईयर टू लाख ट्वेंटी थाउजेंड फाइव हंड्रेड फोर्थ ईयर टू ट्वेंटी फाइव फाइव हंड्रेड एंड फाइनल ईयर टू थर्टी थाउजेंड एंड फाइव हंड्रेड सो एनुअल जो फीस आपकी इंक्रीज हो रही है वो फाइव थाउजेंड से इंक्रीज हो रही है सो ओवरऑल वाइज आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ट्वेल्व लाख एंड फिफ्टी थाउजेंड के आसपास इन्वेस्ट कर रहे हो सो so क्या यह बेहतरीन आर हमें दे सकता है हालांकि इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश होकर काफ़ी कम टाइम हुआ है लेकिन गाइज़ अमेजिंग इनके स्टैट्स है क्योंकि फैसिलिटीज़ यहाँ भर भर के हैं सो so, काफ़ी सारी स्कॉलरशिप स्कीम्स भी है जिनका बेनिफिट आप उठा सकते हो सो फी स्ट्रक्चर को लेकर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है गाइज़ जो भी स्कॉलरशिप स्कीम है उनके थ्रू अगर आप क्लैट के अच्छे खासे मेरिट में आते हो रैंक आपका काफ़ी अच्छा होता है देन गाइज़ आपको स्कॉलरशिप स्कीम्स भी मिलती है जिससे आपकी जो ट्यूशन फी है ये काफ़ी हद तक कम हो सकती है इवन जब फर्स्ट ईयर सेकेंड ई ईयर थर्ड एंड फोर्थ ईयर में अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो अपने एकेडमिक्स में अच्छा स्कोर करते हो दैन सब्सिक्वेंटली ईयर में जैसे फर्स्ट ईयर में अच्छा परफॉर्म किया तो सेकेंड ईयर में भी, भी आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी सेकेंड ई ईयर में किया तो थर्ड ईयर एंड सो ऑन सो ऐसे ही स्कॉलरशिप्स के लिए गाइज आपको ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करना है उनके क्या पॉलिसीज है वो आपको देखने हैं और उसके बाद अप्लाई करना है सो so, बेहतरीन प्रिपरेशन करना है क्लैट में और टारगेट करना है एचपी शिमला और गाइज यहां जो प्लेसमेंट स्टार्ट है एवरेज पैकेज जो है सिक्स पॉइंट मिल जाता है हाइस्ट पैकेज अभी तक आउट नहीं हुआ है लेकिन गाइज यू कैन एक्सपेक्ट एट एक टू 12 लाख पर एन का पैकेज दैट इज हाईएस्ट पैकेज अगर इंटरनेशनल एक्सपोजर भी आपको लोहिया कॉरपोरेशन भारत एंड एसोसिएट्स खुराना एंड खुराना एडवोकेट्स धीरे एंड काफी अच्छी लीगल फर्म्स एंड कॉर्पोरेट विजिट करते हैं उनका बेनिफिट आप उठा सकते हो लेकिन कब जब आप क्लैट का प्रिपरेशन करोगे और एचपीएनएल को टारगेट करोगे सोलर Let's target the HPNLU Shimla by cracking the clad. Join us at Domboli, Ghatkopar and Dada for offline preparation. And in case you are pan-India student, want to interact live with us, call on 8888. Don't forget to download our app where you will get free mock and free resources. And for all the updates and notifications, you can follow us on YouTube, Facebook, Insta and Telegram. That's all guys. All the best for your career. See you in the next video.